हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ससुर जी किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज देखिए हमारे ससुर जी क्या बनाते हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं जो क्या बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। हेलो फ्रेंड, ये देखिए हमें पास्ता बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ये हमने पास्ता है, इसको हमने हल्का नमक और हल्का तेल डाल के इसको उबाल लिया है। ओके फ्रेंड, और ये हमारा टमाटर हो गया, दो दो मीडियम साइज के टमाटर हैं, और ये एक बड़ा सा प्याज है, और इसके अंदर चार हरी मिर्च है, और एक अदरक का टुकड़ा है, और छह सात लहसुन है। इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमारे मसाले हैं फ्रेंड, ये नमक हो गया 2 चम्मच, आप अपने अनुसार डालें। ये हल्का काली मिर्च जीरा पाउडर हो गया, और ये कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, ये हल्दी हो गया 1/2 चम्मच, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हो गया। फ्रेंड, आप अपने अनुसार डालें लाल मिर्च पाउडर और नमक। इस हमें ये बनाने के लिए हमें कुकुन ऑयल का जरूरत होगा। ये हमने सरसों का तेल लिया है, और ये जीरा है, और ये फ्रेंड हमारा ये मसाला है। आप इसके अंदर पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं, और ये मैगी मसाला भी डाल सकते हैं फ्रेंड, दोनों से ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा। इसको हम हल्का रेड हो जाने देंगे जीरे को। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये सब जो काटे हैं अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल के भून लेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे फ्रेंड हम इन सब चीजों को। ये देखिए फ्रेंड, हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, और चारों तरफ से प्याज हल्के से भून जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज भून रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। दो से तीन मिनट भून लेंगे मसाले को अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे अपना कटा हुआ। टमाटर डाल के अच्छे से भून लेंगे टमाटर को, सारे मसालों को। ये फ्रेंड, हम अपने मसाले में हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि वो लगे ना, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब टमाटर गलने तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। फिर इसके अंदर हम अपना वो मैगी मसाला डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भून रहा है। अब हम इसके अंदर पहले ये डाल देंगे मैगी मसाला, उसके बाद फिर और भूनेंगे इनको। फ्रेंड, आप जो मसाला डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाहते हैं फिर भी अच्छा बन जाता है ये। देखिए फ्रेंड, हमने 2 मसाले का पैकेट लिया था। फ्रेंड, इन मसालों से इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पास्ता में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भून रहा है। अब हम इसके अंदर, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर अपना पास्ता डालेंगे जो हमने उबाला है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके अंदर अपना पास्ता डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे।
इसको फ्रेंड हम कम आंच करके, हल्का मीडियम आंच करके इसको ढक के छोड़ देंगे ताकि पास्ता के अंदर पूरा मसाला घुस जाए, टेस्ट आ जाए उसके अंदर भी। ये देखिए फ्रेंड, हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि ये चिपके ना, फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। हेलो फ्रेंड, ये देखिए हम बीच में इसको चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड ये खाने में, तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा रेसिपी। ओके फ्रेंड, अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं फ्रेंड दूसरे वीडियो में। ओके।